मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महानवमी के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नवरात्रि नारी शक्ति के प्रति सम्मान और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है। अयोध्या मामले पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा आशय वहां आयोजित होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर था। अयोध्या पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ नकारात्मक राजनीति करता है, उसे विकास और जन कल्याणकारी कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे राम मंदिर विवाद को खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए न्यायालय लगातार सुनवाई कर रहा है। न्यायालय के फैसले का सभी सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में अयोध्या में परंपराओं को खत्म कर दिया गया था। अब अयोध्या में विदेशों से आए लोगों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। कई देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। हमारी सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी वहां भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अब की बार सरयू नदी के तट पर 5.5 लाख से भी अधिक दीपों को जलाकर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा है, अयोध्या के परिप्रेक्ष्य में मेरा बयान वह मुख्य रूप से विगत 3 वर्ष से जो कार्यक्रम हम अयोध्या में कर रहे हैं, दीपोत्सव का कार्यक्रम। यद्यपि हमें इस बात को मानना चाहिए कि दीपावली का आयोजन पूरे देश के अंदर भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में मनाया जाता था। अयोध्या से परंपरा प्रारंभ हुई थी, लेकिन बीच का एक कालखंड ऐसा था जब अयोध्या में ये परंपराएं एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। अयोध्या को उसका वैभव प्राप्त हो, अयोध्या उस सम्मान की हकदार बने, इस दृष्टि से अनेक आयोजनों को हमने इसके साथ जोड़ा है। विगत 3 वर्ष से सरकार वहाँ पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी भगवान राम की यह पवित्र लीला गई है वहाँ से रामलीलाओं को हम आमंत्रित करते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस या फिर मॉरिशस, रसिया, जापान और तमाम अन्य, श्रीलंका, तमाम अन्य देशों की रामलीलाएं भी इस अवसर पर हम अयोध्या में बुलाते हैं। और इस बार 26 अक्टूबर की तिथि हम लोगों ने तय की है। 5,51,000 दीपों का उत्सव अयोध्या में सरयू जी के घाट पर, तट पर, राम जी की पेड़ी पर, हर आश्रम और हर परिवार अपने अपने घरों में भी दीपोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, इस एक संकल्प के साथ हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं। दूसरा, उन विदेशों से भी आई हुई रामलीलाओं का मंचन वहाँ पर, इंडोनेशिया से जुड़ी हुई रामलीला जब होती है तो आप देख के आश्चर्य करेंगे कि उसमें सभी पात्र मुस्लिम होते हैं, लेकिन कोई राम की भूमिका में है, कोई कृष्ण, कोई लक्ष्मण की भूमिका में है, कोई भरत की भूमिका में, कोई माता सीता की भूमिका में है, कोई हनुमान जी की भूमिका में है और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इंडोनेशिया से आए हुए दल से मैंने विगत पर से पूछा था, मैंने कहा भी आपके यहाँ आप इस्लाम के अनुयायी हैं और रामलीला में पात्र बने हुए हैं। उन्होंने कहा इस्लाम हमारी पूजा पद्धति है, लेकिन राम हमारे पूर्वज हैं। कितनी बड़ी बात उन्होंने उस समय कही थी और ये भाव वहाँ बना हुआ है। थाईलैंड में, ऐसे लाओस में, कंबोडिया में या फिर श्रीलंका में भी बहुत अच्छे ढंग से आयोजन होते हैं और मंचन को देख करके भले ही भाषा की भिन्नता होगी लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं। और रामलीला का आयोजन इस बार और भव्यता के साथ दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम अयोध्या को जोड़ने जा रहे हैं। अयोध्या विकास की एक प्रक्रिया के साथ जुड़ा है विगत 2.5 वर्ष के दौरान, उस विकास की प्रक्रिया को एक मूर्त रूप देने का भी एक अवसर होता है हमारे पास दीपोत्सव का अवसर। और अयोध्या वासियों को यह एक खुशखबरी कि इस बार हर एक घर भी दीपोत्सव के साथ जुड़े। ये आयोजन मेरी शुरू से ये भावना रही है कि केवल सरकारी आयोजन नहीं होना चाहिए, आमजन की सहभागिता इसमें होनी चाहिए। आमजन की सहभागिता पिछले वर्ष और उससे पहले वर्ष, दोनों पिछले वर्ष के दौरान आमजन की सहभागिता
सरयू जी के तट पर और राम जी की पीढ़ी तक तो थी, इस बार हम इसको और विराट रूप दे रहे हैं कि हर घर भी इस दीपोत्सव के साथ जुड़े और रामलीला का जो मंचन वहाँ पे होना है, अलग अलग देशों के, नेपाल है, भूटान है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, लाओस है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, हॉलैंड है, इन सभी देशों की रामलीलाओं के भी मंचन को लोग अभिभूत होकर के देखें कि राम की परंपरा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की संस्कृति और उनकी लीला को पूरी दुनिया ने कैसे स्वीकार करके एक उसको अपने उस भाव के साथ जोड़ा है, ये हमारे लिए बहुत गौरवशाली क्षण होगा। और 26 अक्टूबर को यह अवसर फिर से अयोध्या के साथ जुड़ने जा रहा है। और हम लोगों का शुरू से ही ये मानना रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को सभी को मानना चाहिए, और मुझे लगता है सभी लोगों ने माननीय न्यायालय पे विश्वास व्यक्त किया है। माननीय न्यायालय के फैसले को हर एक व्यक्ति को मानना चाहिए। हम लोग शुरू से इस बारे में कह रहे हैं कि न्यायालय जब बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है तो हमें न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए। न्यायालय जो भी फैसला करे सर्वसम्मत से उसका सबको मान करके, और सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द के लिए और देश के विकास के लिए इस समस्या का समाधान आवश्यक है। और सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे की सुनवाई के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और प्रत्येक नागरिक के मन में एक विश्वास पैदा किया है। मैं सचमुच उच्चतम न्यायालय की इस कार्रवाई का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।